हेलो फ्रेंड्स, निरल बिजनेस इंस्टीट्यूट में मैं रमेश महेश्वरी आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सोएवैक्स कैंडल के बारे में कुछ बात करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं, ये सब सोयावैक्स है, अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। यहाँ ये टी लाइट है, ये ग्लास जार है, ये सिग्नेचर कैंडल है, ये हम लोग वैक्स जो यूज़ करते हैं वो सोया वैक्स चंक है, ये सोया फ्लेक्स है, ये हम इसको मसाज कैंडल भी बना सकते हैं, ये हम इसका वैक्स ऐसे बना सकते हैं या टैबलेट भी कह सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट हम इससे बनाते हैं। सिग्नेचर कैंडल बनाना है तो हम बड़ा ग्लास जार यूज़ करेंगे। उर्ली बनाना है तो हम इस तरह का यूज़ करेंगे जिसमें वैक्स डाल देंगे और ऐसे छोटे स्क्रम्बल बना के भी एडजस्ट कर डालेंगे। तो ये अलग अलग क्रिएटिविटी हम इसमें कर सकते। तो अभी सोया वैक्स का ट्रेंड है क्योंकि इसमें कार्बन थोड़ा कम निकलता है, तो आप सोया वैक्स भी अपना ऐड करो। सेम वे हम इसके लिए कंक्रीट का जार भी बना सकते हैं। ये कंक्रीट जार है, इसमें भी सोया वैक्स बना के एक नया वेराइटी आप बना सकोगे। हेलो कैंडल मेकर्स, आप कैंडल बनाते हैं, ये बिजनेस में आगे बढ़ो, ये हमारी शुभेच्छा है। कुछ नया ऐड करो तो कुछ टिप्स मैं आपको अभी देता हूँ। तो आपको बताया वैसे आप सोया वैक्स से कैंडल बना सकते, शायद आपने नाम सुना भी रहेगा, देखा भी रहेगा, यूज़ किया भी रहेगा। बिल्कुल अनजान रहेगा तो मेरे कोर्स भी है, आप कोर्स से भी इसको सीख सकते। तो सोया वैक्स चंक फॉर्मेट में ऐसे आता है, बस इसको मेल्ट करो, पोर करो, आपका प्रोडक्ट बन जाता है। फ्रेग्रेंस करो, परफ्यूम करो, कलर करो, ये ऑप्शनल बात है, तो ये मेन इसका रिक्वायरमेंट है। तो इससे हम अलग अलग वैरायटी के कैंडल बना सकते हैं, जो लिस्ट मैंने यहाँ पे दिया है। जैसे आप ग्लास जार बना सकते, तो ये मेरा ग्लास जार हो गया, फिर डिज़ाइन क्वालिटी कुछ भी रहेगा, ये ग्लास जार समझो बन गया। अभी ये ग्लास जार है, इसमें मैंने अरोमा थेरेपी ऑयल डाला है तो अरोमा कैंडल बन जाएगा। ग्लास के बदले मैंने कंक्रीट पॉट ले लिया, फैंसी या जो भी अवेलेबल है आप बना सकते, तो मेरा ये बन जाता है। तो वैसे चेंज हमारा हो सकता है, बेसिक फंडामेंटल वैक्स अपना एक ही रहता है। आपके जानकारी के लिए वैक्स दो प्रकार के आते हैं, एक फ्लेक्स कहते हैं, तो फ्लेक्स को हम लोग ब्लेंड करना ही पड़ता है, या फ्लेक्स हमको सिर्फ मसाज कैंडल बनाने में काम में आता है। स्पा के लिए लोग ऐसे मसाज कैंडल बनाते हैं तो हम लोग फ्लेक्स यूज़ करते हैं। लेकिन सम जो आपको बाकी कोई भी कैंडल बनाना है तो फ्लेक्स को हम ब्लेंड करते या तो फिर डायरेक्ट चंक वैक्स है वो यूज़ करते। तो ये वेराइटी अलग अलग अपना रहता है। अब इसमें आपको पता है वैसे विक दो प्रकार का आता है, एक आता है प्री टैप, एक आता है वुडन विक। चॉइस आपका है। वुडन विक में हीट ज़्यादा क्रिएट होता है, फ्रेग्रेंस ज़्यादा स्प्रेड होता है और आजकल उसका ट्रेंड है, तो ये मेरा वुडन विक हो गया। खैर हम इतना लंबा नहीं रखते, ये आपको वीडियो दिखा इसलिए दिखाया है, फिर इसको आधा इंच तक इसको कट करके देना पड़ता है। तो ये मेरा वुडन विक बन गया। अभी समझो मेरा ये बर्तन ब्रॉड है तो मेरे को मल्टीपल वीक लगाना पड़ेगा, तो यहाँ मैंने मल्टीपल वीक लगा दिया है। अच्छा, अभी वैक्स समझो मैंने भर दिया, कुछ ऐसे सोया वैक्स से स्क्रम्बल बना लिए, ये सिलिकॉन के मोल्ड से लोग बनाते हैं, ये हकीकत में छोटे फ्लोटिंग कैंडल है। वैक्स मेल्ट हो गया, थोड़ा सेट हो गया, तो इसमें हम इसको रख देंगे तो इसको स्टिक हो जाएगा, ये आपका फिर सिग्नेचर कैंडल हो जाएगा। यानी आप नाम कुछ भी दे सकते। अभी सिग्नेचर कैंडल बनाना है तो हम जार बड़ा यूज़ करेंगे, मल्टीपल वीक रखेंगे, ज़्यादा स्क्रम्बल उसमें भर देंगे, मैचिंग कलर ही करेंगे या नेचुरल कलर से उसको बनाते, तो ये आपका सिग्नेचर कैंडल भी इस तरह का बन जाता है। अभी टी लाइट भी हम इससे बना सकते हैं, कहाँ किसी को जरूर पड़ा है, उनको ऑर्गेनिक मटर मांगता है, तो हम टी लाइट भी इसमें बना सकते हैं। अभी टी लाइट को फैंसी वर्जन में जाना है तो पॉलीकार्बोनेट मिल जाएगा, ये भी आप यूज़ कर सकते।
तो अनलिमिटेड स्कोप है, आप जितना ज़्यादा करना चाहते वो कर सकते हैं। फ्रेगनेंस डालो, स्ट्रॉन्ग डालो, ज़्यादा स्प्रेड होएगा। अभी फ्रेगनेंस का बात कहें तो हम इसको सब वैक्स टेबलेट कहते हैं या वैक्स सेसे कहते हैं। ये बना डालो, इसको आप कहाँ भी ड्रॉवर में कस्टमर रखेगा, फ्रेगनेंस इसका डिफ्यूज़ होता है, तो ये भी प्रोडक्ट आपका बनेगा। अभी समझो ये मेरा कैंडल है, इसके ऊपर मैंने कैंडल बिठा दिया। ये कैंडल मेकर को ये सब पॉइंट मालूम रहता है, तो ये मेरा टॉप डिज़ाइनर हो गया। ये बेस है, ये ऊपर कैंडल है, ये जार बड़ा, इसमें आप कुछ एम्बेड करके रख दो तो बन जाएगा। तो बहुत वैरायटी आप इसका कर सकते। तो कुछ लिस्ट मैंने यहाँ पे दिया है, वो टाइप कैंडल बना सकते हैं, मसाज कैंडल स्पा में यूज होता है, मैसेज कैंडल है तो इसमें हम लोग कुछ भी छोटा सा मैसेज रख देते हैं, कंप्यूटर प्रिंट आउट, जब ये वार्म होता है तो मैसेज दिखता है। हाँ, मैसेज ज़रा वीक से हम लोग लंबा रखते हैं, और कस्टमर को एक बात कहना ही पड़ता है कि आप कैंडल जब भी बंद करो तो टेक आपको उसका केयर लेना पड़ता है, अनअटेंड हम उसको नहीं रखते। तो ये परफ्यूम है, इस सेसे है, ये सब हमारा जाता है। ग्लास में भी फंक्शन में हम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। मसाज कैंडल बोला, वैसे मैसेज कैंडल भी हम बना सकते। मसाज कैंडल में जैसे बताया वैसे ये हम लोग फ्लैक्स यूज़ करते हैं, साथ में कैरियर ऑयल डालते हैं, अरोमाथेरेपी ऑयल डालते हैं, तो ये बन जाता है। तो मेरा एक अलग अलग कोर्स है, आप उसको रिफ़र करोगे तो आपको और भी अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। मसाज कैंडल का कैसे यूज़ करना, तो ये हमारा प्राइवेट वीडियो है ट्यूटोरियल में, जो कोर्स के साथ आपको मिल जाता है। तो आप अपना प्रोडक्ट में जितना बढ़ावा करोगे वैसे बिजनेस में भी आप अपना टर्नओवर बढ़ा सकते हैं। अभी कंक्रीट पोर्ट भी आपको मैंने बताया, आप बाज़ार से पोर्ट ले लो या खुद घर पे भी बना सकते हैं। तो बनाने के लिए भी मेरे कोर्स है। अभी समझो आपने प्रोडक्ट बनाया, आपका नॉलेज इनकम्प्लीट रहेगा तो क्या मुश्किल होती है, आपका प्रोडक्ट बनता नहीं है और आप जहाँ से मटेरियल लिया या वेंडर है उसका गलती निकालते हैं, तो ये गलत बात है। आपका नॉलेज नहीं है, जिससे आपको मिस्टेक हुआ है तो आप उसको इम्प्रूव करो, आपका नॉलेज डेवलप करो। कहाँ ट्राई एरर सैम्पलिंग भी आपको करना पड़ता है, जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो उसको आपको सैम्पलिंग भी करके देखना पड़ता है। और जैसे बताया वैसे सब चीज़ों में चेंज होते रहता है। सोया वैक्स अपना सोयाबीन ऑयल से बनता है, उसका लोकेशन चेंज हो गया, उसका एरिया चेंज हो गया, उसका कल्टीवेशन चेंज हो गया, तो कुछ तो चेंज करेगा ही, तो ये आपको भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर बाज़ार में हम वीक लेने गए तो वीक में भी रेंज अलग अलग रहता है, तो सोया के लिए आपको सोया वीक यूज़ करना ही कंपलसरी रहता है कि जो सोया को आपने ये कर सकते। अच्छा, अभी कस्टमर को सबसे ज़्यादा बात ये होती है कि ये ऑर्गेनिक है या ये, तो ये सब सेलिंग का टिप्स रहता है, थोड़ा तो केमिकल या कुछ तो रहता ही है। अभी सोया फ्लेक्स आता है, उसको कैंडल के लिए कन्वर्ट करना है तो कुछ तो उनको प्रोसेस करना ही पड़ता है, तो हो गया केमिकल एडिटिव तो हो ही जाता है। अच्छा, कभी लोग फ्लेम के बारे में पूछते हैं, अभी फ्लेम का आपको साइंस मालूम रहेगा तो दो प्रकार का फ्लेम है, एक को हम कहते हैं सूटी फ्लेम, एक को कहते हैं नॉन सूटी। अभी जो सूटी फ्लेम रहता है ना वो थोड़ा कार्बन रिलीज करता है और पीला कलर रहेगा, कैंडल का पीला कलर ही है फ्लेम का, तो थोड़ा कार्बन तो रिलीज़ करने ही वाला है वो। नॉन सूटी फ्लेम करेंगे तो उसका ब्लूइश कलर रहता है, शायद आपने अपना कुकिंग गैस देखा रहेगा, उसका फ्लेम ब्लूइश कलर है, स्मोक नहीं आता है। तो कैंडल में स्मोक नहीं आएगा ये बात नहीं है, सेलिंग करने के लिए बात जो लोग कहते हैं वो अलग बात है। फिर आपके कैंडल में स्मोक आया, आप ब्लेम करोगे वेंडर ने कुछ गलत माल दिया, तो ये बात नहीं है, आपका वैक्स प्रॉपर है, ये होने वाला है, नेचुरल चीज़ है। तो आपको ही नॉलेज नहीं कि फ्लेम दो प्रकार का है तो आप उसको ब्लेम करोगे वेंडर को, या वीक गलत है, तो ये बात नहीं है, आपको भी अपना ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, अभी समझो मैंने सोया वैक्स यूज़ किया जो कार्बन एमिट कम करता है, प्रमाण उसका कम है, लेकिन मैंने फ्रेगरेंस डाल दिया। अभी आपने फ्रेगरेंस डाला तो फ्रेगरेंस तो केमिकल ही है, वो भी सूटी फ्लेम से ही जलने वाला है, तो कार्बन रिलीज तो ऑटोमेटिक होने ही वाला है,
तो कार्बन रिलीज नहीं होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता है, लेकिन कस्टमर को ये सब कन्फ्यूज़न में लोग डाल के सेलिंग के लिए यूज़ करते और कस्टमर को ये चीज़ करना है तो लोग कहते हैं, और नया बनाने वाला सोचता है कि ये कुछ मटेरियल गलत रहेगा, ये गलत रहेगा, ये परफ्यूम गलत रहेगा, वो वेंडर को ही ब्लेम करते हैं। तो इसलिए मैंने ये डिटेल्स आपको बताया कि ये फ्लेम तो आने वाला ही रहता है। अच्छा, अभी समझो आपने फ्लेम के बारे में कस्टमर को समझा सकोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। वैसे विक का भी आपको बताया कि मेरा विक प्रॉपर रहेगा तो ही प्रॉपर बर्निंग होएगा, तो विक का भी सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है। वैक्स का भी मेल्टिंग भी ध्यान रखना पड़ता है, ओवरहीट नहीं होना मांगता है। जब हम लोग वैक्स पोर करते तो हमारे कंटेनर भी एसी में इसमें नहीं रहना मांगता है, कभी ये एसी में ज़्यादा ठंडा रहेगा तो उसको रूम टेम्परेचर पे लाओ फिर पोर करो, तो कभी ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक भी होती रहती है। अच्छा, अभी कैंडल मेकिंग समझो आप बिल्कुल नहीं जानते, तो मेरा बेसिक मेन कोर्स है, जो सीख लो तो आपको बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, आपका मिस्टेक होने का चांस ख़त्म हो जाएगा। फिर समझो मेरे को कुछ नया प्रोडक्ट ऐड करना है, सोया कैंडल है, जेल कैंडल है, मसाज कैंडल है, उसके एडिटिव कोर्स अपना या एड ऑन कोर्स रहते हैं, तो आप कैंडल बनाने में परफेक्ट है, तो बाकी कोर्स आपको एक एक करके जोड़ लो, आप वेराइटी कर सकोगे। सब कोर्स में मेरे आपको व्हाट्सएप पे रेसिपी मिल जाता है, रिकॉर्डेड वीडियो भी साथ में मिल जाता है। अच्छा, अभी मैं आशा करता हूँ कि इतना सारा टॉपिक आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जिसमें एक ही चीज़ है मॉडिफिकेशन है, तो आप इसको भी जोड़ो, इससे भी स्टार्ट करो। अच्छा, इधर अपने सिलिकॉन के मोल्ड भी यूज़ हो जाते हैं, जैसे छोटे की पीस हमने बनाया इसमें आपको सिलिकॉन के मोल्ड ही काम आते हैं। स्क्रम्बल बना लिया हमने, इसमें ऐड डेकोरेशन कर दिया, तो इस तरह ये डेकोरेशन में भी आपका काम हो जाता है। यानी अभी समझो आप सिलिकॉन का मोल्ड से कैंडल बनाते हैं, तो छोटा वैरायटी के मोल्ड ले लो, सोए वैक्स से ऐड कर दो, इसे बना दो, इसी से आप ऐसा टी लाइट या बड़ा कंटेनर बना दो जिसमें मल्टीपर्पज़ काम हो जाता है, टी लाइट भी हो जाता है, डेकोरेशन भी हो जाता है, लग्जरी आइटम भी हो जाता है, ऑर्गेनिक या जो भी बोलो वो भी हो जाता है। क्यों? तो दूसरे के वैक्स के कंपेयर में सोया वैक्स थोड़ा अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। अच्छा, अभी समझो आपको ये कोर्स करना है, तो जानकारी होनी तो मेरे व्हाट्सएप पे आप कैटलॉग के लिए रिक्वेस्ट करो, आपको मेरा कैटलॉग मिल जाएगा, कैटलॉग में सब कोर्स दिए हैं, या आप मेरे इंस्टीट्यूट मुंबई में आ जाओ, मेरा मुंबई में इंस्टीट्यूट है, या मेरा शोरूम भी आप देख लो, कई वेराइटी के कैंडल के मोल्ड हमारे यहाँ मिलते हैं, तो मोल्ड का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। समझो आपको ऑफलाइन मेरे इंस्टीट्यूट में सीखना रहेगा, यही अभी मेरा इंस्टीट्यूट है, यहीं हमारा ट्रेनिंग चालू रहता है, तो आप इंस्टीट्यूट में भी आके भी सीख सकते हैं। इंस्टीट्यूट में आएंगे तो आपका एक दिन का ही कोर्स रहता है, सब सीखा ज़्यादा सीखा तो शायद दो दिन में हो जाता है, और कम समय में आपको नॉलेज मिल जाता है। ऑनलाइन करोगे तो नॉलेज वही रहता है, आपको खुद को सीखने समझने में एक आधो दिन ज़्यादा लग जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा टिप्स बोलो या ट्रिक्स बोलो जो भी है, वो आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, बिजनेस ग्रो करने में काम में आवे। ऑल द बेस्ट, हैप्पी बिजनेस, थैंक यू। अभी हम कैंडल बनाने का कुछ आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ मैं सोया वैक्स चंक यूज़ करता हूँ, ये मेरा सोया वैक्स चंक है, इसको मेल्ट करके जार में भरेंगे। ये आपके जानकारी के लिए सिर्फ सोया फ्लेक्स है, ये हम यूज़ नहीं करेंगे। अब समझो ये आपका जार है, आपको सेंटर में इसको विक लगाना है, आपके पास वुडन विक का भी ऑप्शन है, ग्लू लगा दिया, इसको बिठा दिया, हो जाएगा। प्रीटेप विक लगाना है तो ये प्रीटेप विक मिलेगा, इसके पीछे ग्लू ड्रॉप आपने लगा दिया, इसको सेंटर में बिठा देंगे, चिपका देंगे। अभी समझो ग्लास का सेंटर ढूंढना है तो कभी लोगों को जजमेंट में टाइम लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, आप जो भी ग्लास है उसका डायमीटर आउटर सर्कम से ड्रॉ कर लो। ये समझो मैंने ड्रॉ कर लिया, इसमें सेंटर भी सर्च कर लिया, यानी ये मेरा ग्लास का आउटर लाइन है, ये उसका सेंटर पॉइंट है,
अब हम इसको टेबल पे अपने रखेंगे पेपर, इसके ऊपर ये ग्लास रहेगा। जब ये ग्लास ऊपर रहेगा तो इधर सेंटर में इसको पॉइंट दिखेगा, वो मेरा जजमेंट हो जाएगा कि मैं इसमें विक वहां लगा दूंगा। छोटा है, हम एक विक यूज करेंगे, बड़ा रहा डबल विक यूज करेंगे, मल्टीपल यूज करेंगे, ये आपके ऊपर रहता है। तो ये आपने इसको रख दिया। अभी कभी छोटी मोटी टिप्स आपको काम को अच्छा कर सकती है, तो इस तरह कर दे। ये मैंने इसके पीछे ग्लू ड्रॉप लगा दिया। आप कुछ भी तरह से करो, यानी कैंडल मेकर के पास अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं, आप जो भी चाहे वो यूज करते। यहाँ मेरे को डॉट दिखता है, डायरेक्ट इसको ले लिया, सेंटर पे रख दिया, प्रेस कर दिया, मेरा काम इजीली हो गया कि मेरे को उस जजमेंट ढूंढना वगैरह में नहीं जाना पड़ा। ये इसको लग गया। अब कैंडल मेकर को मालूम है इसको सेंटर में रखने के लिए हम कुछ भी सपोर्टिंग प्लेट ले लेते हैं, इसके जरिए हम इसको ये सेंटर में एडजस्ट कर लेते हैं। अभी समझो वैक्स में मेल्ट करूंगा। सिंपल बात तो आपको मालूम है कि भर दिया करा जो भी है वो करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सराउंडिंग के आउटर सरफेस पे थोड़ा माइका वाला वैक्स यूज करना है। तो माइका लेंगे, यानी थोड़ा सा वैक्स मेल्ट करेंगे, माइका डाल देंगे उसमें, आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं। समझो हमने इसमें ये माइका डाल दिया, थोड़ा वैक्स पोर करेंगे और इसको घुमा के जहां भी आउटर सरफेस पे आता रहेगा एट रैंडम डिजाइन क्रिएट हो जाएगी। फिर ये जार को रख देंगे। फिर दूसरा नेचुरल कलर लेंगे, फिर उसमें कुछ कलर नहीं डालेंगे, वो अपना बर डालेंगे। तो ये हम अभी करके आपको दिखाएंगे। तो यूं आप इसको कर सकते। अच्छा, अभी यहाँ एक ध्यान रखना है आपको कि आपका ये जार ठंडा नहीं रहना होता है। कभी क्या होता है, हम एसी में बैठे हैं, जार ठंडा है, फिर इसमें भरेंगे तो कभी वो वॉल छोड़ देगा या क्रैक दिखेगा, तो ये आपको जरा केयर करना पड़ेगा। या ऐसी जगह पे इसको करो कि जहाँ एसी नहीं रहेगा, या इसको वार्म कर लो। ये मेरा जनरल टिप्स है, काम में आया नहीं आया आपको काम करने से पता चलता है। जैसे मैंने वुडन विक यूज किया, वुडन विक एक आजकल ट्रेंड है। दूसरा, इसमें हीट ज्यादा क्रिएट होता है तो इसका फ्रेग्रेंस ज्यादा डिफ्यूज होता है, इसलिए लोग करते। समझो आपने प्रीटेप विक यूज किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी चलता है, लेकिन प्रीटेप विक में काफी वेरायटी आती है, तो आप जो भी सिलेक्ट करो वो सोया वैक्स के लिए रहेगा, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कभी क्या होता है, हम सिलेक्शन नहीं कहते, वेंडर कुछ और देता है, तो फिर हम उसको कहेंगे कि मिस्टेक वेंडर का है। तो ये नहीं, आपको भी स्पेसिफाइड होके कौन सा विक यूज करना वो ध्यान रखना पड़ता है। वैक्स कौन सा यूज करना है, विक कौन सा करना है, कलर कौन सा है, फ्रेग्रेंस है, ये सब आपका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। आपको परचेस के टाइम स्पेसिफाइड रहना पड़ता है। अभी मैं वैक्स मेल्ट करूंगा, इसमें माइका ऐड कर दूंगा, मिक्स करूंगा, इसके वॉल पे क्रिएट कर दूंगा थोड़ा डिजाइन, फिर ये सफेद वैक्स नेचुरल वैक्स भर के मेरा कैंडल तैयार करूंगा। ये हमारा वैक्स है जिसमें मैंने माइका मिलाया है। माइका मिक्स नहीं होता है, सरफेस पे बैठ जाता है। तो समझो मैंने थोड़ा भर डाला। अभी ये ग्लास को या आपके कप को ऐसा कुछ भी डिजाइन आप क्रिएट कर लो। ये डिजाइन हमने क्रिएट कर लिया है, इसको थोड़ा सूखने देंगे। सूखने के बाद दूसरा जो भरेंगे वो पूरा अपना नेचुरल वाइट रहेगा, ये समझो होते रहेगा। कभी क्या होता है, माइका मिक्स नहीं भी होता है, थोड़ा कम भी होता है, तो उसको मैचिंग कैंडल का कलर भी आप डाल सकते हैं, तो आप इसमें कैंडल का कलर भी डाल दो। अभी कैंडल मेकर को एक बात ध्यान रखना पड़ता है कि
कि एक दफे आपने वैक्स भरा ठंडा होने तक रुकना पड़ता है, तो इसको हम लोग प्लेस चेंज नहीं करते, यानी आप इसका जगह चेंज मत करना, कहाँ वीक या हिल गया तो वो पोर्शन डैमेज हो सकता है। खैर अभी दोबारा भरेंगे वो एक बात है, फिर भी केयर करना कि हम ये वेसल्स को कहाँ भी शिफ्ट या मूव नहीं करते, तो इसको जहाँ रखा वहाँ रहने दो। अभी मैं नेचुरल सोया वैक्स भरूंगा, यानी कुछ कलर नहीं डालूंगा, ये समझो यहाँ तक भरूंगा, तो वो जार पे कुछ भी डिजाइन दिखेंगी। आपको ज्यादा डिजाइन दिखाना है तो आप ग्लिटर भी डाल दो, ये माइका मैंने बताया, वैसे आप ग्लिटर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, कुछ भी चीजें लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो सेकंड कलर भरने के बाद हम इसको कम से कम 3-4 घंटा तो डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको एसिडिटी जहां भी रहेगा वहां रहने दो। बाय चांस आपका वीक को धक्का लग गया तो वीक के सराउंडिंग में क्रैक पड़ता है। खैर फिर हॉट गन वगैरह से हम इसको क्लियर करते, वो एक नेक्स्ट बात है, लेकिन बेस क्या है मिस्टेक का उसके लिए मैंने आपको समझाया है। अभी मैं इसमें सेकंड वैक्स भर के रख दूंगा, मेरा कैंडल कल रेडी हो जाएगा। अभी मैं एक टिप्स आपसे और भी शेयर करूंगा, हम उसको कहते हैं मैसेज कैंडल। छोटा सा मैसेज लोग लिख लेते कंप्यूटर पे, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे, या जो भी आप चाहे वो सर, छोटा सा मैसेज आपने कंप्यूटर से लिख लिया, ये समझो मेरा कैंडल है। मैं इसमें हाफ तक पहले ये वैक्स भर दूंगा, वही अपना सोया वैक्स, फिर इस पे मैसेज मेरा रख दूंगा, फिर जो भी मेरा प्रिंट आउट रहेगा वो इसमें रख दूंगा। शायद आप देख नहीं सकोगे लेकिन कंसेप्ट समझ लेना, ये हमने जो आपको दिख रहा है ये मैसेज मैंने रख दिया है। पहले वैक्स भरा, उसको थोड़ा सेट होने दिया, ये मैसेज रखा, ये मैसेज मैंने समझ इसमें रख दिया, ये इसको स्टिक हो जाएगा, फिर बाकी वैक्स भर डालेंगे। तो कस्टमर जब ये कैंडल लेगा तो उसको कुछ मैसेज नहीं दिखेगा, लेकिन जब ये बंद होएगा तो इसका सरफेस जब मेल्ट होएगा तब वो मैसेज पढ़ने में आएगा। तो शॉर्ट मैसेज रहता है जैसे स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी, जो भी रहेगा वैसे। तो यहाँ कंप्यूटर पे छोटा प्रिंट आउट करके यह इस पे रख दो। अभी आपका जो मैसेज रहेगा ना वो वीक से थोड़ा लंबा रहेगा, एकदम क्लोज टू वीक नहीं रहेगा। पहला लेयर भरो, उसको थोड़ा सेट होकर उस पर मैसेज रख दो, फुल भरो, ये आपका कैंडल रेडी हो गया। अभी इसमें मैसेज कहाँ भी दिखने में नहीं आएगा, बर्न होने के बाद ये मैसेज दिखेगा। मैं आशा करता हूँ कि मेरा छोटा सा टिप्स आपको कहाँ ना कहाँ बिजनेस बढ़ाने के लिए काम में आवे। देखिए ये मैसेज कैंडल जम रहा है, पहले आपको मैसेज दिख रहा था, अभी वो सेट हो जाएगा तो मैसेज नहीं दिखेगा। तो हमारा स्टेप आप समझ गए, पहले वैक्स भरोगे, मैसेज रखोगे, पहला लेयर सूखने के बाद मैसेज रखेंगे, दूसरा लेयर भरेंगे, जब ये सूख जाएगा तो ये मैसेज छुप जाएगा। लेकिन जब कस्टमर इसको बर्न करेगा, एक दफे लेयर बन मेल्ट हो गया, मैसेज फ्लोट होते दिखेगा। हेलो, आप मेरे वीडियो देख रहे इसके लिए थैंक यू, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे और भी बहुत सारे वीडियो है जो जरूर देखना। तो कैंडल मेकिंग के लिए आपको कुछ न कुछ नया टिप्स हिंट मिलेगा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी बिजनेस।